नमस्कार दोस्तों, मैं नील आपका स्वागत करता हूँ एयर म्यूजिक में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैनिंग। तो आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि पैनिंग का मतलब क्या है और किसी साउंड को लेके आप उसका कैसा यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप कीबोर्ड प्लेयर हैं, ऑक्टोपैड प्लेयर हैं, गिटारिस्ट हैं, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आप कीबोर्ड प्ले करते हैं तो आप देखते हैं कि जो आउटपुट आप देते हैं, जो लीड लगाते हैं उसके अंदर आप, तो उसमें एक ऑप्शन होता है एल और आर। ठीक है, तो एल और आर में एल का जो मतलब होता है वो होता है लेफ्ट और आर का मतलब होता है राइट। कंपनी ऑप्शन देती है, अगर आप लेफ्ट में लीड लगाते हैं तो मोनो साउंड जाता है आपका आउटपुट में। तो दोस्तों, अगर हम पैनिंग की बात करें तो यहाँ पर पूरा खेल जुड़ा हुआ है आपका एल और आर से, यानी कि लेफ्ट और राइट से। दोस्तों, कोई भी साउंड है आप उसको आउटपुट बाहर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके साउंड के आउटपुट जो सामने स्पीकर, यानी मान लीजिए दो स्पीकर हैं, एक लेफ्ट स्पीकर है एक राइट स्पीकर है, तो ये चीज आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि लेफ्ट वाले स्पीकर में कितनी आवाज आनी चाहिए और राइट वाले में कितनी आवाज आनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास जो मॉनिटर होता है, एक लेफ्ट का मॉनिटर दूर होता है और एक राइट का मॉनिटर पास होता है, तो उसकी पैनिंग इस तरह से की जाती है कि आपको दोनों की आवाज बराबर आए, यानी आपको ऐसा फील हो कि दोनों आपके पास में रखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में एक दूर रखा होता है एक पास रखा होता है। तो पैनिंग से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि आपको ऐसा फील हो कि दोनों मॉनिटर आपके पास में रखे हैं। दोस्तों, सेम काम आप साउंड में कर सकते हैं कि अगर आप कोई टोन बना रहे हैं, आप पैड बजा रहे हैं, तो पैड के अंदर अगर आप कोई पैच बना रहे हैं या गिटार में कोई आपका प्रीसेट है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो उसका लेफ्ट और राइट डिवाइडेशन कर सकते हैं कि लेफ्ट वाले स्पीकर में कितनी आवाज जाएगी और राइट में कितनी आवाज जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, आप एक टोन बना रहे हैं जिसके अंदर एक बेस गिटार है और एक है आपका नाइलॉन गिटार, तो आप ये चाहते हैं कि जो आपका लेफ्ट वाला चैनल है, यानी कि जो आपका लेफ्ट वाला स्पीकर है, उस तरफ से आपका बेस गिटार की आवाज आए और जो आपका राइट वाला स्पीकर है, जो राइट वाला चैनल है, वहां से आपकी नाइलॉन गिटार की आवाज आए। तो अपने कीबोर्ड में इसकी पैनिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि जो भी टोन है आपकी, मान लीजिए आपकी बेस गिटार की टोन है, तो उसकी पैनिंग में जाके उसको पूरा चैनल आपको लेफ्ट में करना पड़ेगा, यानी आपको जो फुल वैल्यू है उसकी लेफ्ट की तरफ करनी पड़ेगी, तो राइट वाले चैनल में आवाज नहीं आएगी। तो उससे होगा क्या कि जो आपका लेफ्ट वाला चैनल है उसमें सारी आवाज जाएगी आपकी बेस गिटार की, और जो आपका नाइलॉन गिटार है उस टोन पे जाकर आप उसकी पूरी वैल्यू फुल करते हैं राइट की तरफ। तो होगा क्या, फिर जब आप उस साउंड को प्ले करेंगे तो आपकी एक आवाज लेफ्ट से आएगी और दूसरे साउंड की आवाज राइट से आएगी, तो ये काफी अच्छा इफेक्ट देगी। ये आप देख सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप हर टोन में इसका यूज करें। जैसे कि सितार की टोन है, तो आप सितार की टोन में ये कर सकते हैं कि आपने लेफ्ट में सितार को कर लिया, राइट में आपने तानपुरा कर दिया, तो उसमें भी काफी अच्छा इफेक्ट आएगा कि एक तरफ से आपकी तानपुरे की आवाज आ रही है, एक तरफ से आपकी सितार की आवाज आ रही है, तो ये काफी अच्छा साउंड करेगा जब आप उसको प्ले करेंगे। तो दोस्तों, डिपेंड करेगा कि आप पैनिंग का किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पैनिंग का मतलब क्या है और किसी साउंड में आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।